Assalamualaikum. I'm Rayyan B. I'm a graphic designer. आज मैं आपको how to use a rotate tool in Illustrator और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी. पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगे करते रहें ताकि मैं अपना काम बेहतर से बेहतरीन कर सकूं. और अब मुझे कमेंट करें आपको क्या बनाना, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड जो बनाना है प्लीज मुझे कमेंट करें. आप बताएं आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है प्लीज आप कमेंट करें, मैं जरूर आपको बना के बताऊंगा. प्लीज आप मुझे कमेंट करें. और मेरे 400 सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स प्लीज 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 कर दे. तो चलिए करते हैं. अब हमें ये हमारा होता है रोटेट टूल, ये देख रहे इसकी हमारी शॉर्टकट की है और ये देख रहे. और ये हमारा होता है रिफ्लेक्ट टूल, इसकी शॉर्टकट की है ओ. ये जैसे कि हम रेक्टेंगल बनाते हैं ये रोटेट टूल जब लेते हैं इसकी शॉर्टकट की यार ऐसा घुमा सकते हैं इसको इजीली. और जब आप ऐसे करते हैं और जब आप इसको कर देते हैं जब यहाँ पे इसको मैंने छोड़ा अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं जैसे कि इसके ऊपर आप इसको यूं जब डबल क्लिक करेंगे इसका एंगल आता है, इसका एंगल कितना करना है 50 करना है जो आप कर सकते हैं आप कर दें. प्रीव्यू कॉपी यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा पहले मैंने, फिर यहाँ पे एंगल करा, फिर 9 एंगल करा, अगर ओके करा. देखा हमने एंगल हमारे यहाँ बदल रहे हैं, यहाँ पे मैंने कैसे करा. अब मैं जो देता हूँ 25 कॉपी पर ये हमारा व्यू हो जाएगा. ऐसे आप डबल क्लिक करते रहेंगे, फिर मैं दूंगा 30 पे, फिर कॉपी करूंगा यू करते रहेंगे तो आपको इतना अच्छा होता रहेगा. कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यू कर सकते हैं रोटेट टूल को वो भी इजीली यूज. ये रोटेट टूल आपके लिए बहुत काम आएगा, ऐसे घुमा भी सकते हैं. और ये देख रहे हैं आप बीच में जो घुमाते हैं और यहाँ ये जो हमारा ये होता है ब्लू ब्लू से कुछ नहीं होता, बस इसको आप हिला सकते हैं ऐसे कहीं पे भी. ये देख रहे हैं यूं करा ऐसे इसको हिला सकते हैं वो भी इजीली. ये हमारा होता है रिफ्लेक्ट टूल, ये हमारा रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है, वैसे भी उसकी तरह ही होता है लेकिन इसको हम वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, एंगल भी कर सकते हैं, आप कॉपी भी इसको कर सकते हैं वो भी इजीली. देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल कर लिया, यहाँ से एंगल में बदल देता हूँ, एंगल में कर दिया 52, वर्टिकल पे कॉपी करा ये देखा हमने बहुत इजी है आपके लिए डबल क्लिक, हॉरिजॉन्टल पे फिर मैंने इसका एंगल दे दिया 9 एंटर. ये देखा आपने बहुत हमारा इजी रिफ्लेक्ट टूल और रोटेट टूल बहुत इजी आपको यूज करने है. देख रहे आप इन दोनों को सिलेक्ट करके भी घुमा सकते हैं, देख रहे ऐसे सिलेक्ट करें और घुमा दें. ये देख रहे आपको जैसा करना है आप कर दें, जैसे कि मैंने कंट्रोल सी करा कंट्रोल एफ करा जूम कर दिया, कंट्रोल सी करा एफ करा, फिर यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं वो भी इजीली. ये देख रहे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये देखा आपने फिर यहाँ से भी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ थोड़ा सा घुमा दिया बस. और जब सिलेक्ट करते हैं हम और जब अलाइन पे जाते हैं यहाँ पे जाते हैं सॉरी पहले हम मर्ज, इधर से आप मर्ज कर देते हैं हम, जैसे हम गया विंडो पे पाथफाइंडर यहाँ पे हमारा आता है मर्ज टूल सॉरी ट्रिम है वेल्थ सॉरी मर्ज मर्ज कर दिया बस. अब मर्ज करने के बाद अब यू कलर दे दें, जैसा भी आपको करना आप यू कर सकते हैं वो भी इजीली. और आप इनको अलग अलग कलर भी दे सकते हैं और जैसे कि ऐसा आप सेलेक्ट करें शेप बिल्डर टूल से आप यूं यूं भी कर सकते हैं वो भी इजीली. यूं करा यूं करा यूं करा यूं करा अब देखें आप इनको रेनबो कलर्स भी दे सकते हैं वो भी इजीली. ये आपका आप आउटलाइन भी अच्छी सी दे सकते हैं, ये देखें जैसे कि मैंने दी ब्लू आउटलाइन फिर रेड कलर आउटलाइन मैंने बढ़ाई, ये देखा आपने ये आपके लिए बहुत इजी है यूज करना. ये देख रहे हैं यहाँ से मैंने इसको डिलीट करा इसको डिलीट करा इसको डिलीट, आप जो भी कर सकते हो वो भी इजीली. ये आपका बहुत काम आता है रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल, चीजों को आपको रोटेट करना आप कर सकते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं. यहाँ पे जब ये वाला एंगल आता है रोटेट करने का आप जो भी घुमा सकते हैं वो भी इजीली.
रोटेट टूल आपका बहुत कम आएगा, ये आपके पास यहाँ पे रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल में ये फर्क होता है, इसमें बस जैसे कि आप यहाँ पे रोटेट टूल में ये देखे, यहाँ पे वर्टिकल भी नहीं आता, हॉरिजॉन्टल भी नहीं आता, और बस इसमें यह नहीं आता, ये देखा आपने। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं रिफ्लेक्ट टूल में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल भी आता है, वर्टिकल भी आता है, एक्सेस जो करना आप कर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छा है, इसमें एंगल भी कर सकते हो, आप जूम भी एंगल कर सकते हैं, दोनों में यू ऐसे भी आप एंगल घुमा सकते हैं, वो भी इजीली। यहाँ पे आप कॉपी करना है, कॉपी कर लेंगे, देखिए जब रोटेट टूल में भी हम जूम करते हैं, इसमें भी आप जूम से घुमा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे करते और डायरेक्ट ऊपर भी ले जा सकते हैं, वो भी इजीली। इनको इनके ऊपर आप बस ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, जो करने इसके ऊपर कर सकते हैं आप बहुत ही इजीली। रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल आपके बहुत काम आने वाले, रिफ्लेक्ट टूल से ये सारी चीजें आप घुमा सकते हैं, वो भी इजीली। ये देखा आपने, ये आपके लिए बहुत इजी है। और जब आप ऐसे घुमाते रहते हैं आपको इलस्ट्रेटर बड़ी लैग हो जाता है, और फिर ठीक करना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद। प्लीज इसको पूरा घुमा के नहीं घुमाएगा नहीं रहनेगा प्लीज। ये देख रहे, जब आप इसको रोटेट टूल लेते हैं बस ये ऐसे यूज होते हैं, और जब हम लेते हैं रिफ्लेक्ट टूल यू 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 भी हो जाते हैं आपके। देखे अब रिफ्लेक्ट टूल लिया, सारे हमारे हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत इजी है आपके लिए। बीच वाला भी आप उठा के देखे, यहाँ पे रखने, यहाँ पे रख दिया, जब आप यहाँ पे इशू ने यहाँ पे रखा, ये अब यहाँ पे रख दिया, यूं करेंगे देखा आपने, ये हमारा घूम कैसे रहा है, ये देख रहे हैं आप, बीच में वो रखा हुआ, ये यहाँ से आप यूं घुमा सकते, इशू ने यहाँ पे रख दिया, सॉरी इसको मैंने उठा लिया यूं करके, यूं यूं, ये देख रहे, अभी आपको दिखाता हूँ, अंजुम करा यूं यूं यूं, देख रहे आप, ये आपको बहुत इजीली हो सकता है, और आपको इतना अच्छा लगेगा ये करके। और आप जब इसको एंगल को रखना, यहाँ पे बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप जब घुमाएंगे अलग अलग जगह पे घूमेगा। प्लीज अब यूइंग करेंगे, रोटेट टूल रिफ्लेक्ट इतना काम आने वाला आपको बता नहीं सकता हूँ रोटेट करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक लिए मेरी तरफ से आपको गुड बाय।